भाजपा नेता और पूर्व पार्षद जेपी यादव के नेतृत्व में चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत का जश्न मनाया गया। कोसा नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर के सामने भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। देश भर के भाजपा कार्यकर्ता इस जीत के जश्न को मना रहे हैं। इसी कड़ी में कोसा नगर राधा कृष्ण मंदिर के समीप भाजपा नेता और पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फटाके फोड़कर एक दूसरे को तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर भाजपा की जीत की खुशियां मनाईं। कार्यक्रम में महिलाएं भी शामिल हुई। जीत के इस जश्न में भाजपा के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। भाजपा नेता जयप्रकाश यादव और अन्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज वार्ड क्रमांक 5 कोसानगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दर्ज की है, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर आम जनमानस ने जो विश्वास जताया है, विकास को जनता ने चुना है, छल प्रपंच करने वाले और झूठे वादे करने वाले भ्रष्टाचारी सरकार और पार्टियों को जनता ने नकार दिया है। आज बहुत ही उत्सव का वातावरण पूरे देश में दिखाई दे रहा है, और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर मिलजुल कर आज कोसानगर में इस जीत का जश्न मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार विभिन्न राज्यों के साथ साथ अपनी राष्ट्र नीति जो उन्होंने दिखाया है जनता को और जो लागू किया है, उसे जनता ने सहर्ष स्वीकार किया है, हमारे हिंदुस्तान और भारत की जनता ने। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में भी, जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा था, उसमें सबसे बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश था, लगभग 24 करोड़ की जिसकी आबादी है, वहाँ की जनता जनार्दन ने भारी बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, और भारी बहुमत से वहाँ की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाया। साथ ही पहली बार इतिहास में 37 साल बाद लगभग ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी सरकार बनी है 37 सालों के पश्चात। गोवा का यदि हम बात करें तो मित्र, गोवा के में भी दूसरी बार लगातार हमारी सरकार, तीसरी बार सरकार हमारी बन रही है। मणिपुर में जो लगातार हम आज से लगभग 70 सालों से हम जहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, इस बार हमारी फिर से सरकार मणिपुर में बनी है। और उत्तराखंड में भारी बहुमत जो हमें पूर्व में प्राप्त था, वहाँ की जनता जनार्दन ने फिर हम पर विश्वास जताया और उत्तराखंड में भी भारी बहुमत से वहाँ पर हमारी सरकार को स्वीकार किया। और आने वाले समय से हम आशा विश्वास करते हैं कि ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति हमेशा हमारी जनता जनार्दन अपना समर्थन देती रहेगी, ऐसी हम आशा और विश्वास करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज हम 4 राज्यों में विजय पाए हैं, जिसकी तुलना किए जाए तो बहुत ही ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हिंदू जगेगा विश्व जगेगा, यह नारा हर जगह लागू हुए, और हम लोग आगे उत्तरोत्तर तरक्की करना है तो हमें नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है और भारत का विकास करना है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 राज्यों में चुनाव संपन्न है, उसमें हमारे 4 राज्यों में भारी प्रचंड बहुमत से भाजपा ने जो विजय दर्ज की है, ये संकेत देता है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मॉडल भी वहाँ पे प्रस्तुत किए थे, मगर वो भी कोई काम नहीं आया। कांग्रेस का सिर्फ वहाँ पे 403 सीटों में सिर्फ 2 सीट में सिमट गई, क्योंकि पिछले चुनाव में जो है 7 सीट था उसमें 5 सीट और कम हो गई है। उत्तराखंड में भी 2 सीट मिला है और गोवा में भी 2 सीट, यानी 3 राज्यों में उनको 2-2 सीट में समेटना पड़ा। ये स्थिति कांग्रेस की है। आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की ये सरकार बनेगी, यह हम लोग संकेत लेते हैं। बहरहाल पार्टी को मिली जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर एक दूसरे को जीत की बधाइयां दी जा रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।